हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सलमान और आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों TRF के बारे में। तो TRF क्या होता है? तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का अकाउंट से TRF कट रहा है और बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करी और मैंने TRF के ऊपर वीडियो भी बनाया। तो दोस्तों, आखिर TRF होता क्या है? तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है और बहुत सारे लोगों को और भी जानकारी चाहिए TRF के बारे में। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी जानकारी आपको TRF के बारे में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना है क्योंकि दोस्तों, वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी TRF से रिलेटेड मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, TRF होता क्या है? तो दोस्तों, TRF होता है ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, फंड ट्रांसफ़र यानी दोस्तों, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र विधि को TRF कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ TRF क्या होता है। तो दोस्तों, बैंक हमारे खाते में कई प्रकार के चार्ज करते हैं, जैसे ATM कार्ड ट्रांजेक्शन हो या बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट चार्ज हो, फ्रंट इंटरनेट बैंकिंग चार्जेस हो, RTGS चार्ज हो, NFT चार्ज हो, मोबाइल बैंकिंग आदि चार्ज को बैंक द्वारा काटा जाता है। लेकिन इनको TRF ही, ये सब TRF। आइए हम जानते हैं कैसे TRF जो होता है। तो दोस्तों, मैं आपको लिखित में सभी जानकारी बता रहा हूँ इसकी। तो जब एक बैंक खाते से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी पैसे को इधर से उधर, तो दोस्तों उसको TRF कहते हैं। लेकिन TRF में बहुत सारे लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है, मेरे TRF मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया फिर भी मेरे TRF क्यों कट रहा है? तो दोस्तों, और भी चीज़ें बहुत सारी TRF से जुड़ी रहती, जैसे बैंक स्टेटमेंट की अपन जो स्लिप ATM को यूज करते हैं तो उसका भी TRF कटता है दोस्तों। तो TRF का शॉर्ट फॉर्म TRF है और TRF एक सफलतापूर्वक फंड ट्रांसफर का एक कोड होता है, इसको एक कोड बोलते हैं दोस्तों। तो इसको TRF का नाम दिया जाता है। बहुत सारी बार अपनी जो पासबुक रहती है और अपने जो अपने स्टेटमेंट रहते हैं उनमें भी TRF की जानकारी रहती है। यह हर एक लेनदेन से जुड़ा रहता है, छोटे से मोटा जो लेनदेन होता है अपने अकाउंट में उससे TRF जुड़ा रहता है। तो दोस्तों, TRF में क्या, अपन अभी ऑनलाइन भी कौन से भी UPI के थ्रू अपन पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे थे, उसमें जो TRF कटा, लेकिन TRF दोस्तों ज़्यादा नहीं कटता, बहुत छोटी सी राशि कटती है उनमें से, ये इन बैंकों का चार्ज रहता है। क्योंकि दोस्तों, बैंक अपने को फोकट में कौन सी भी चीज़ नहीं करती, क्योंकि दोस्तों बैंक में पासबुक रीडिंग वगैरह, अपन ATM वगैरह सभी चीज़ें यूज करते हैं, ये सभी TRF से ही होता है दोस्तों। तो जो TRF का जो फुल फॉर्म होता है, TRF का कोई अलग अलग फुल फॉर्म से नहीं जाना जाता, लेकिन TRF बैंक TRF को ट्रांसफ़र फंड के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। ओनली वन ट्रांसफ़र फंड, यह बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र फंड को दूसरे अकाउंट में राशि हस्तांतरित करने पर TRF को एक बैंक विवरण में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, बैंक विवरण में इसको दिखाया जाता है, एक अकाउंट से अपन दूसरे अकाउंट में अगर राशि भी डालते हैं तो वो भी अपने को TRF के नाम से दिखती है। बहुत सारी बार अपनी डायरी में ऐसा बताया है। और दोस्तों, TRF शुल्क क्या है? तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी बार आपको बताया है TRF क्या होता है, लेकिन इसमें दोस्तों मैं संपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ। TRF कोई शुल्क नहीं होता, लेकिन बैंक द्वारा दी जाने वाली सर्विस का शुल्क जरूर होता है। यह बैंक अपने हिसाब से आपके खाते से कट कर लेता है। आइए हम जानते हैं बैंक कौन कौन सी सर्विस का चार्ज लेता है। बैंक अपने अकाउंट खोलते समय धन राशि मेंटेन करने की बात बताई जाती है, उतना पैसा आपको हमेशा खाते में रखना, नहीं तो बैंक का उसका चार्ज कटा। तो दोस्तों, बहुत सारी बार क्या बोलते हैं अपने को, बैंक वाले 1000 रुपये रखना जरूरी है, 1500 रुपये रखना जरूरी। तो दोस्तों, वो राशि भी अपन नहीं रखते तो फिर भी वो भी एक TRF उसमें भी कटता, तो उसको भी नाम बैंक TRF का नाम दे देती है। तो दोस्तों, ATM कार्ड का एक एनुअल चार्ज बैंक तो लेता ही है, लेकिन ट्रांजेक्शन चार्ज भी बैंक काटता है। ओके दोस्तों, तो बैंक स्टेटमेंट ग्राहकों को फ्री में कुछ भी नहीं देती है बैंक। ओके, हार्ड कॉपी निकालते हैं अपन स्टेटमेंट से तो उसका भी ग्राहक से चार्ज लेती है बैंक, वो भी TRF के रूप में। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा चार्ज नहीं लेती, लेकिन TRF हर बैंक में लगभग कटने लग गया। मेरे खुद सेंट्रल बैंक का खाता है, मेरे कटने लग गया, स्टेट बैंक में अलग कटने लग गया, जितने भी बैंक है सभी में TRF लगभग लगने लग गया। चेकबुक, जिस कागज़ के टुकड़े हम बैंक से पैसे निकालते हैं, अगर अपन चेकबुक ले रहे हैं, अपन कौन से कागज़ में ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से बैंक अपने चेकबुक के कापी के ऊपर डिपेंड करता है। अपन कापी जो लेते हैं उसके ऊपर से, उसके हिसाब से भी वो अपने से TRF काटता है। बाद में कभी भी आ सकता है आपके मैसेज, जरूरी नहीं हैंड टू हैंड भी अपनी जो चेकबुक अपन ने आज ली और फिर बाद में कभी भी वो भविष्य में आपको महीने, दो महीने, एक महीने के अंदर आपको TRF पूरा जोड़ के बता देगा। तो बैंक लोन, जब किसी प्रकार का लोन लिया जाता है, चाहे कार लोन हो, बाइक लोन हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, वो बैंक चार्ज करता है, उसको भी TRF बोलते हैं दोस्तों, वो भी TRF के नाम से आता है। तो दोस्तों, बहुत सारी बार ऐसा नहीं कि हर चीज़ में TRF आएगा, तो दोस्तों इनमें भी TRF आ जाता है। ओके दोस्तों, तो बैंक के द्वारा अगर मुफ्त में मैसेज भी नहीं मिलते अपने को, जो मैसेज आते हैं दोस्तों उनके भी बैंक अपने से पैसे लेता है। जैसे एक खाते से दूसरे खाते में अपन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे RTGS हो, NEFT हो, IMPS हो, UPI हो, सबसे जो चार्ज कटता है वो सभी बैंक अपने को देता है। जो काटता है चार्ज वो भी TRF के नाम से होता है। और बैंक से अपन कौन सा लोन लेते हैं तो उसको भी बहुत सी बार TRF नाम दे दिया जाता है, और उसके आगे कुछ भी
अपने अकाउंट का नाम दे दिया जाता है और जो जो लोन कटता है उसको दे दिया TRF और उसका आगे नाम। तो दोस्तों इस प्रकार वो TRF होता है। और दोस्तों एक जो मेन एक अलग जो TRF वो उसके बारे में बता रहा हूँ, जो चार्ज अपने से स्टेट बैंक ये जो अपन ATM यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र का, ये अलग से कटता है। ओके दोस्तों, तो बहुत सारी कन्फ्यूज नहीं होना। बहुत सारी बार अपने क्या होता है, अपने एक अपने से जो राशि जो कटती है अपने बैंक में लोन ले रखा तो उसमें भी TRF हो सकता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में राशि जमा करने पर आज पहले आपको 8% मिलता था, अब 6% मिलता है। अब पहले 8% मिलता था अपने सेविंग अकाउंट में राशि जब जमा रहती, तो अब तो अपने को मिलता है 6%, अब हो गया धीरे धीरे 4%। तो धीरे धीरे इस बैंकों में जो सेविंग चार्ज रहता है वो काफ़ी कटता जाता है। तो दोस्तों बैंकों को जो चार्ज, बैंक कई चार्जेस को TRF से जोड़ देता है। तो दोस्तों इन सभी चार्ज को जो बैंक रहता है उनको TRF से जोड़ देता है। तो दोस्तों इनका नाम आगे TRF हो जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी बार क्या होता है, अपन जो लेन देन करते हैं बहुत सारे, अपन चाहे अपन लोन लिया अपनी किस्त भरी तो उसको भी TRF से जोड़ देता, TRF आ जाए जाता। लेकिन देख दोस्तों दो तरह के TRF होते हैं। तो दोस्तों एक TRF तो अपने जो कौन भी अपन लोन वगैरह कुछ भी चीज़ लेते हैं और अपन किस्त भरते उसमें TRF रहता, उसमें अपने को पता रहता दोस्तों मैंने आज ये किस्त जमा करी उसकी आगे TRF आ रहा। लेकिन दोस्तों एक TRF अलग करता जिसको आपको पता नहीं रहता, कुछ भी नहीं करते, तो वो TRF के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, फंड ट्रांसफ़र करते हो इधर से उधर। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। दोस्तों कुछ भी नहीं करता तो भी SMS का जो चार्ज आ रहा है आपके आपके जो स्टेट बैंक को आप यूज कर रहे हो, आप पैसे निकाल रहे हो कर रहे हो, सभी चीज़ों के पैसे TRF के रूप में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको TRF से जुड़ी हुई सभी जानकारी इसमें मिल गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको और भी कुछ यूजफुल जानकारी चाहिए TRF से थ्रू, तो दोस्तों मैं आने वाले वीडियो बहुत सारे TRF से थ्रू बनाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जो नए नए चीज़ें आती जाएगी TRF में मैं आपको सभी चीज़ें बताते जाऊँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपने बहुत सपोर्ट किया। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मेरे को बेहतर फ़ायदा मिलेगा, मेरा बहुत कुछ होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इसी तरह आप मेरे को फ़ायदा करें और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को बहुत सारे लोग अभी भी TRF से की जानकारी से वंचित है, तो उनको भी TRF की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आपको TRF समझ आ गया होगा। एक बार बता देता हूँ मैं आपको, TRF का मतलब होता है ट्रांसफ़र, और एक खाते से दूसरे खाते में राशि को हस्तांतरित करना, उसे ही TRF कहते हैं। तो दोस्तों यानी कि जो TRF जो चार्ज करता है उसको बहुत सारी चीज़ों से बैंक आजकल जोड़ने लग गई अलग अलग चार्ज से। तो दोस्तों ये सभी जानकारी इसमें आपको मिल गई होगी, फिर भी अगर मेरे को कमी रहेगी तो आप मेरे को आप अपने कमेंट में बता दें, मैं उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप मेरा जो इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, तो आप मेरे को फेसबुक से संपर्क करते हैं सकते हो। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलूंगा मैं एक अगले नए वीडियो के साथ और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके। जय हिंद जय भारत।